सुबह शाम को भूख लगने पर आदमी कुछ हल्की फुल्की ऐसी चीज़ खाना पसंद करता है जो उसे 2 से 3 घंटे तक राहत मिल सके, या राहत हो गई है और भारी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है तो उसे हल्के खाने की आवश्यकता महसूस होती है, तब क्या करें। इन हालातों में आम इंसान जब लाइट फूड की तलाश करता है तो वड़ा पाव या नूडल जैसे स्ट्रीट फूड नजर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही बिजनेस के बारे में। स्टॉल के लिए अच्छी लोकेशन तलाशें। अब आपको बिजनेस शुरू करने के लिए स्टॉल की अच्छी लोकेशन तलाशनी होगी। ये लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहां लोग आसानी से बैठकर आपके बनाए गए वड़ा पाव या नूडल्स का टेस्ट ले सकें। इसके लिए या तो दुकान बड़ी होनी चाहिए या स्टॉल के आसपास खाली जगह होनी चाहिए। ये जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर लोगों का आना जाना अधिक होता है, मतलब आपको भीड़भाड़ वाले इलाके में ये स्टॉल शॉप खोलनी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना है कि ये भीड़ शाम से रात तक उस एरिया में बनी रहती हो। वैसे ये कहा जाता है कि ये एरिया स्कूल, कॉलेज, कोर्ट कचहरी, पार्क आदि हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन उतने अच्छे साबित नहीं हो सकते हैं क्योंकि इन जगहों पर अधिक से अधिक 7 बजे ही सन्नाटा हो जाता है। इससे अच्छा ऑप्शन है शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, हॉट बाजार, बस स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन आदि। ये बात तो हुई शहरों की, आइए अब बात करते हैं गांव और कस्बों की। गांव में ये बिजनेस थोड़ा पहले शुरू किया जा सकता है। जैसे बड़े शहरों में ये बिजनेस 3 बजे से शुरू होता है, वहीं गांव में ये बिजनेस दोपहर 1 बजे शुरू कर देना चाहिए, वो भी रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मार्केट, लोकल अनाज और सब्जी मंडी जैसे एरिया में ये बिजनेस अच्छा चलता है। आपको इन एरिया में ही स्टॉल लगाने की योजना बनानी चाहिए। लाइसेंस की तैयारी कर लें। जब आपको मनपसंद जगह मिल जाए तो उस जगह बिना किसी टेंशन के बिजनेस चलाने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके लिए आपको शुरू में छोटी छोटी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले शॉप को शॉपिंग एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर कराएं। इसके बाद FSSAI से फूड लाइसेंस लें। इसके अलावा लोकल बॉडी, नगर निगम, नगर पालिका या ग्राम पंचायत से ट्रेड या फूड लाइसेंस लेना चाहिए। ये बिजनेस अकेले नहीं किया जा सकता, ये बिजनेस ऐसा है जिसको आप अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए आपको सहायक रखना ही होगा। यदि घर परिवार के सदस्य आपकी सहायता कर लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कच्चा माल मार्केट से लाना होता है, उसे काटना, छाटना, कूटना, पीसना पड़ता है। उसके बाद जब स्टॉल लग जाता है तो भीड़ अधिक होने पर प्रोडक्ट को बनाना और सर्व करना एक साथ संभव नहीं हो सकता। यदि आपको हेल्पर बाहर से रखना है तो कोशिश करें कि जो इस काम में एक्सपर्ट हो उसे ही रखें। इस बिजनेस में लागत कितनी आएगी? इस बिजनेस की लागत आपकी दुकान या स्टॉल लगाने की जगह और दुकान के काउंटर और स्टॉल को बनवाने के साथ ही वड़ा पाव और नूडल्स बनाने के काम आने वाले उपकरणों की कीमत, कच्चा माल, काम करने वाले हेल्पर की सैलरी आदि जोड़नी होगी। कहने का मतलब, गैस स्टोव से लेकर कप प्लेट्स तक की सारी जरूरत की चीजों के दाम जोड़ने के बाद ये बिजनेस 1 लाख से 2 लाख रुपए तक शुरू किया जा सकता है। इससे कम में बिजनेस करना चाहते हो तो आप ठेला लगाकर कर सकते हैं, उसमें 25,000 रुपए में भी बिजनेस शुरू किया जा सकता है। यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। अब बात करें मुनाफे की। ये बिजनेस मुनाफा कमाने से पहले बिजनेसमैन से थोड़ा धैर्य मांगता है। ये बिजनेस शुरू के 2-3 महीने तो आपको नॉर्मल सा मुनाफा देता है, लेकिन एक बार आपका बिजनेस स्थापित हो जाता है तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बिजनेस स्थापित होने के बाद आप इसमें 50 से 60% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ सावधानियां बहुत जरूरी। इस बिजनेस में कुछ सावधानियां बरतनी होंगी तभी आपका बिजनेस चल पाएगा, वरना डूब सकता है। जैसे इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी जुटानी होगी, साथ ही इस बिजनेस की ट्रेनिंग भी लेनी होगी। ट्रेनिंग किसी इंस्टीट्यूट में नहीं बल्कि किसी दुकान से ले लीजिए। इससे आप इस बिजनेस की प्रत्येक बारीकी समझ पाएंगे। शुरू शुरू में ग्राहक तो कम आएंगे, इसलिए आपको अधिक सामान नहीं बनाना होगा बल्कि कच्चे माल को स्टोर कर लें और उसमें से थोड़ा थोड़ा काट छांट कर पकाएं ताकि नुकसान ना हो, क्योंकि कटा और बना सामान दूसरे दिन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस बात को अच्छी तरह समझ लें, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी हुई तो दुकान का चल पाना असंभव है। बचे हुए माल को अपने घर परिवार में तत्काल इस्तेमाल कर लें और यदि लोगों में फ्री में बांट सकें तो बांट दें। इससे केवल थोड़ा सा ही नुकसान होगा, लेकिन आपने इसे दूसरे दिन इस्तेमाल करने की सोची तो आपका बिजनेस दांव पर लग सकता है। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।